प्रदेश भर में आज शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत गाजियाबाद के प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी देर रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लग गई और सभी भक्तों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक शुरू कर दिया। दिन निकलते ही भक्तों की इतनी लंबी कतार लग गई कि गौशाला रोड पर करीब 1 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार दिखाई दी और हर कोई भक्त भोलेनाथ के जयकारों को लगाता हुआ और अपनी बारी का इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। बताया जाता है कि गाजियाबाद के इस प्राचीन प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर की स्थापना रावण के पिता विश्वेश्वर नाथ ने की थी और रावण ने भी यहां भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपना पहला सर यहीं अर्पित किया था और तभी से इस मंदिर की यही मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी कोई भी मनोकामना लेकर यहां पहुंचता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बताया यह भी जाता है कि देश के प्रमुख 8 मठ में से यह प्रसिद्ध मंदिर का मठ भी गिना जाता है। गाजियाबाद के इस प्रसिद्ध भगवान दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में देर रात से ही भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई और 12 बजे से जलाभिषेक शुरू हो गया। हालांकि अभी भक्त त्रियोदशी का जल चढ़ा रहे हैं, अभी कुछ समय बाद भी 14 मुहूर्त शुरू हो जाएगा, लेकिन भक्त अपनी मनोकामना लेकर देर रात से ही लंबी कतार में खड़े हैं। बताते चले कि यह प्रसिद्ध मंदिर गौशाला रोड पर स्थित है। 2 दिन पहले से ही सड़क को पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि मंदिर के अंदर से ही करीब 1 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल के अलावा मंदिर समिति के कार्यकर्ता भी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, किसी तरह की कोई परेशानी न हो। मंदिर के महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण मंदिर में शिव भक्तों को अधिक संख्या में एकत्रित होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार कोरोना से कुछ राहत मिली है तो भक्तों की भीड़ इस बार दिखाई दी है और सभी शिव भक्तों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है।